यमुनानगर के न्यू मार्केट में एक शू पैलेस में लगी भयंकर आग, देखते ही देखते पूरी दुकान आग की लपटों में तब्दील हो गई और दुकान में रखा सारा सामान चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गया। नुकसान का अभी तक आकलन नहीं हो पाया है, लेकिन नुकसान लाखों में बताया जा रहा है। दुकान में आग लगने की सूचना पाकर फायर ब्रिगेड की आधा दर्जन के करीब गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू करने के लिए लगी रही। आग की लपटें इतनी तेज थी कि साथ की दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि अभी आग लगने के पीछे के कारणों का पता नहीं चला है। वहीं सूचना मिलते ही यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी मौके पर पहुंचे और पीड़ित दुकानदार से बात की। न्यू मार्केट में आज एक जूतों की दुकान में फायर इंसिडेंट की मुझे जानकारी मिली, तो मैं यहां क्या स्थिति है मौके पर आया हूं। एक दुकान पूरी तरह से उसका नुकसान हुआ है, आसपास की दुकानों पर भी थोड़ा सा असर आया है, और किस तरह ये घटना हुई अभी मैं इस विषय में बता नहीं सकता। अलग अलग तरह के वर्जन हैं, तो जो ईश्वर ने किया उसको स्वीकार करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं। जूतों की दुकान में आग लगी अभी तो पता चल रहा है कि शॉर्ट सर्किट वगैरह बता रहे हैं, लेकिन अभी पूरा इंक्वायरी के बाद ही मैं आपको कुछ कह पाऊँगा जो इन्होंने बताया पब्लिक ने यहाँ। तो अभी आके सबसे मेन तो इसका आग बुझाना था, तो आग में बुझा के मेरे पास जब भी इंफॉर्मेशन आई मैंने दमकल विभाग से बात करके और वो गाड़ियाँ तुरंत पहुँचाई, तो 3-4 गाड़ी आप देख लो लगातार आ गई और मौके पे काबू तो पा लिया गया आग पे, लेकिन अब इसके कारणों का जेन्युइन पता लगाया जाएगा किस कारण से। यमुनानगर ब्यूरो रिपोर्ट, यस टीवी। इसी प्रकार की नई और ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यस टीवी के साथ।